Hello friends, welcome to AM Pedagogics. Here I would like to revolutionize NEET aspirants. Mission NEET के अंदर लेके आई हूँ NCERT Spotlight. इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे NCERT textbooks of biology class 11 and class 12. अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस ऑफ माय न्यू वीडियोस। आज हम बात करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की। मेरे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पार्ट वन, आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट टू। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था पूरी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, उससे आगे बढ़ते हुए डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में आज डिस्कस करते हैं। आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। जैसे मैंने कल आपको बताया था, डाइजेशन के अंडर दो प्रोसेसेस चलती रहती हैं, एक होती है मैकेनिकल प्रोसेस और दूसरी केमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस जिससे कि मशीन चलती है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कोई मिक्सी चलती है वैसे ही हमारे स्टमक में फूड की चर्निंग होती है। जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनके साथ फूड के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स ब्रेक डाउन होते हैं और न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन हमारे ब्लड में होती है। सबसे पहले बात करते हैं कि बकल कैविटी में क्या होता है। द बकल कैविटी परफॉर्म्स टू मेजर फंक्शंस। तो दो मेजर फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से? मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फेसिलिटेशन ऑफ स्वेलोइंग। द टीथ एंड द टंग विद द हेल्प ऑफ स्लाइवा मेस्टिकेट एंड मिक्स अप द फूड थॉरली। हमारी बकल कैविटी में टीथ होते हैं, टंग होती है और स्लाइवा होता है, तो ये सब हेल्प करते हैं फूड को अच्छे से मिक्स होने में, अच्छे से मेस्टिकेट होने में। म्यूकस इन स्लाइवा हेल्प्स इन लुब्रिकेटिंग एंड अडहेरिंग द मेस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स इनटू अ बोलस। इसका क्या मीनिंग हुआ कि टीथ, टंग, स्लाइवा ये आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ फूड को मिक्सअप करते हैं, मेस्टिकेट करते हैं। जो स्लाइवा में म्यूकस होता है वो पूरी कैविटी को लुब्रिकेट कर देता है और जितने भी फूड पार्टिकल्स होते हैं मेस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स उनको आपस में जोड़ के एक बॉल का शेप दे देता है जिसे बोलस कहा जाता है। द बोलस इज देन कन्वेड इनटू द फेरिक्स एंड देन इनटू द ईसोफेगस बाय स्वेलोइंग और डीग्लूटिशन। वो बोलस आगे फेरिक्स की तरफ जाता है, टंग उसको पीछे पुश करती है और ईसोफेगस में स्वेलो करते हुए वो नीचे की तरफ चला जाता है। स्वेलोइंग को डीग्लूटिशन भी कहते हैं। द बोलस फर्दर पासेस डाउन थ्रू द ईसोफेगस बाय सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शंस कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। ईसोफेगस में बोलस नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है, वो सिर्फ ड्यू टू ग्रेविटी ही नीचे नहीं जाता है बल्कि मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शंस होती हैं, उनकी सक्सेसिव वेव्स के कारण फूड नीचे को जाता है, उस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। अभी हमने पैराग्राफ कंप्लीट नहीं किया है, बकल कैविटी और ईसोफेगस के बारे में ही बात कर रहे हैं। यहीं पे कितने सारे क्वेश्चन बन गए हैं, जैसे कि मेजर फंक्शंस क्या हैं बकल कैविटी के, कौन कौन से ऑर्गन फूड की मेस्टिकेशन में हेल्प करते हैं, स्लाइवा के म्यूकस का क्या फंक्शन है, मेस्टिकेशन के बाद फूड पार्टिकल्स का क्या होता है, वो क्या बनाते हैं, बोलस बनाते हैं, देन बोलस स्वेलो होता है तो उसकी दूसरी टर्म क्या है, डीग्लूटिशन। जिन मूवमेंट से ईसोफेगस में फूड नीचे की तरफ स्टमक की तरफ जाता है उसे क्या कहते हैं, दैट इज पेरिस्टाल्सिस। आगे बढ़ते हैं। द गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। तो स्टमक और ईसोफेगस जहां पे मिलते हैं, जहां पे ज्वाइन होते हैं, वहां पे एक स्फिंक्टर होता है जिसे गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। द स्लाइवा सिक्रेटेड इनटू द ओरल कैविटी कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, क्लोराइड आयंस एंड बाइकार्बोनेट आयंस एंड एंजाइम्स स्लाइवरेमाइलेज एंड लाइसोजाइम। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से हैं? सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन एंड बाइकार्बोनेट आयंस। एंड एंजाइम्स कौन से हैं? स्लाइवरेमाइलेज एंड लाइसोजाइम। अभी हमने बात की मैकेनिकल प्रोसेस के, किस तरह से मेस्टिकेशन के कारण बोलस बनता है, देन बोलस ईसोफेगस में चला जाता है, ये सब मूवमेंट्स मैकेनिकल प्रोसेसेस के अंडर आ जाएंगी। केमिकल प्रोसेस भी ओरल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाती है, तो अब उसके बारे में जानते हैं। केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी बाय द हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ
कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम द स्लाइवरी एमाइलेज. स्लाइवरी एमाइलेज को क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम. उसका जो हाइड्रोलिटिक एक्शन होता है उसके कारण अराउंड 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड इंटू अ डाइसेकेराइड माल्टोज. आप नीचे ये एक रिएक्शन देख सकते हैं. स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड इंटू माल्टोज बाय द एक्शन ऑफ स्लाइवरी एमाइलेज. अब इसकी पीएच क्या होती है? अराउंड 6.8. जैसे मैंने बताया कि लाइजोजाइम भी एक एंजाइम होता है जो कि स्लाइवा में प्रेजेंट होता है. So it acts as an antibacterial agent that prevents infections. जब हम फूड खाते हैं, फूड के साथ साथ बहुत सारे बैक्टीरिया भी हमारे मुंह में चले जाते हैं, उनको किल करता है ये एंटीबैक्टीरियल एजेंट लाइजोजाइम और इन्फेक्शंस होने से हमें बचाता है. द मिकोजा ऑफ स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैव थ्री मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स, नेमली म्यूकस नेक सेल्स विच सिक्रीट म्यूकस, पेप्टिक और चीफ सेल्स विच सिक्रीट द प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, एंड पेराइटल और ऑक्सेंटिक सेल्स विच सिक्रीट HCl एंड एन इंट्रिंसिक फैक्टर एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12. स्टमक की इंटरनल लाइनिंग में जो लेयर होती है मिकोजा, उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं. उन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में तीन तरह के सेल्स होते हैं, म्यूकस नेक सेल्स, पेप्टिक और चीफ सेल्स, पेराइटल और ऑक्सेंटिक सेल्स. म्यूकस नेक सेल्स सिक्रीट करते हैं म्यूकस को, पेप्टिक और चीफ सेल्स सिक्रीट करते हैं प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन को, पेराइटल और ऑक्सेंटिक सेल्स सिक्रीट करते हैं HCl एंड गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर. ये फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12. The stomach stores the food for 4 to 5 hours. The food mixes thoroughly with the acidic gastric juice of the stomach by the churning movements of its muscular wall and is called the chyme. Stomach में food stored रहता है 4 से 5 घंटे तक. Food mix होता है thoroughly with the gastric juice. Gastric juice की nature acidic होती है due to presence of HCl. जैसे जैसे फूड की चर्निंग होती जाती है साथ के साथ केमिकल रिएक्शंस भी होती चली जाती हैं. क्योंकि गैस्ट्रिक जूस एसिडिक होता है तो फूड स्टोमिक में जाके एसिडिक फॉर्म ले लेता है और फूड को कहते हैं एसिड चाइन. अब केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? द प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन ऑन एक्सपोजर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव एंजाइम पेप्सिन, द प्रोटियोलिटिक एंजाइम ऑफ द स्टमक. पेप्सिनोजेन एक प्रो एंजाइम होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके वो कन्वर्ट होता है पेप्सिन में, जो कि एक्टिव फॉर्म में होता है, उसे प्रोटियोलिटिक एंजाइम ऑफ स्टमक भी कहा जाता है. Then pepsin converts proteins into proteases and peptones or peptides. Pepsin फिर convert करता है proteins को proteases में और peptones में. Peptones को peptides भी कहते हैं. The mucus and bicarbonates present in the gastric juice play an important role in lubrication and protection of the mucosal epithelium from excoriation by the highly concentrated hydrochloric acid. Gastric juice में mucus और bicarbonates present होते हैं, उनका बहुत ही important role होता है. वो help करते हैं lubrication में, mucosal epithelium को protect करते हैं. किससे protect करते हैं? Concentrated हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करते हैं. HCl provides the acidic pH 1.8 optimal for pepsins. Renin is a proteolytic enzyme and found in gastric juice of infants which helps in digestion of milk protein. Small amounts of lipases are also secreted by gastric gland. Concentrated HCl जो स्टमक में होता है उसकी pH होती है 1.8, तो वो एसिडिक होता है. That is optimal for पेप्सिन. वो फेवरेबल होता है टूवर्ड्स पेप्सिन. रेनिन एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है जो कि इन्फेंट्स यानी छोटे बेबीज के गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है, जो हेल्प करता है मिल्क प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में. छोटे बेबीज का फूड क्या होता है? दूध होता है. जो प्रोटीन्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए बेबीज के स्टमक में गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसमें एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है जिसे रेनिन कहते हैं. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स थोड़ी थोड़ी अमाउंट में लिपिजेस को भी सिक्रीट करती हैं. वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय द मस्कुलरिस लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. दीज मूवमेंट्स हेल्प इन अ थरो मिक्सिंग अप ऑफ द फूड विद वेरियस सिक्रीशंस इन द इंटेस्टाइन एंड देयर बाय फैसिलिटेट डाइजेशन. स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो मस्कुलरिस लेयर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, डिफरेंट टाइप्स की मूवमेंट्स होती चली जाती हैं. इंटेस्टाइन में जो डिफरेंट सिक्रीशंस पहुंचती हैं
उनके साथ फूड मिक्सअप होता चला जाता है और डाइजेशन को इजी कर देता है। वो सिक्रीशंस क्या होती हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचती हैं? द बाइल, पेनक्रियाटिक जूस एंड द इंटेस्टिनल जूस आर द सिक्रीशंस रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल आर रिलीज्ड थ्रू द हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के इनिशियल पार्ट ड्यूडेनम में बाइल और पेनक्रियाटिक जूस हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू पहुंचता है। इंटेस्टिनल जूस इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड्स होते हैं, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, उनमें से सिक्रीट होता है। ये तीनों सिक्रीशंस, बाइल, पेनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टिनल जूस, ये सब सिक्रीशंस हेल्प करती हैं डाइजेशन में। द पेनक्रियाटिक जूस कंटेन्स इनएक्टिव एंजाइम्स, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, एमाइलेजेस, लिपेजेस एंड न्यूक्लियेजेस। पेनक्रियाटिक जूस में इनएक्टिव एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, फिंगर्स पे याद कर लो इनको, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, एमाइलेजेस, लिपेजेस एंड न्यूक्लियेजेस। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक निमोनिक फ्रेज दिया है जो कि रिलेटेड है पेनक्रियाटिक जूस के इनएक्टिव एंजाइम से। इन सब वर्ड्स के इनिशियल लेटर्स मैच कर रहे हैं इनएक्टिव एंजाइम्स के इनिशियल लेटर से। जैसे कि यहाँ पे ट्रिप्सिनोजेन है तो यहाँ पे मैंने दे दिया तेरे, T फॉर ट्रिप्सिनोजेन, T फॉर तेरे। काइमोट्रिप्सिनोजेन के इनिशियल दो लेटर्स हैं CH, यहाँ पे भी मैंने CH ले लिया इस हिंदी वर्ड चार के लिए। प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस के लिए फर्स्ट लेटर P ले लिया और यहाँ पे बना दिया पूत। और एमाइलेजेस का A ले लिया, हिंदी में हो गया I। और लिपेजेस का L ले लिया तो हिंदी में ले लिया लेके। और न्यूक्लियेजेस का N लेके बना दिया नानी। फ्रेज बन गया तेरे चार पूत आए लेके नानी। तो इन सब के इनिशियल लेटर्स को लेके बन गया तेरे चार पूत आए लेके नानी। डिफरेंट सीरीज को याद करने के लिए आप डिफरेंट तरह के निमोनिक फ्रेजेस बना सकते हैं या मुझसे पूछ सकते हैं। इसके ऊपर मेरी एक वीडियो भी है, आप उसे देखें, आपको काफी हेल्प मिलेगी अपने एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं, ये सब एंजाइम्स किस तरह से केमिकल रिएक्शंस करते हैं। ट्रिप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम एंटेरोकाइनेज सीक्रेटेड बाय द इंटेस्टिनल म्यूकोजा इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन व्हिच इन टर्न एक्टिवेट्स द अदर एंजाइम्स इन द पेनक्रियाटिक जूस। ट्रिप्सिनोजेन एक्टिवेट होता है एक एंजाइम एंटेरोकाइनेज से जो कि सिक्रीट होता है इंटेस्टिनल म्यूकोजा में और कन्वर्ट हो जाता है इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन। ये एक्टिव ट्रिप्सिन आगे एक्टिवेट कर देता है पेनक्रियाटिक जूस के डिफरेंट एंजाइम्स को। द बाइल रिलीज्ड इनटू द ड्यूडेनम कंटेन्स बाइल पिगमेंट्स बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स बट नो एंजाइम। बाइल जब ड्यूडेनम में जाता है तो उसमें दो तरह की बाइल पिगमेंट्स होती हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, और इसके साथ साथ बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, लेकिन कोई एंजाइम्स नहीं होते। इस बात को याद रखना है कि बाइल जब इंटेस्टाइन में पहुंचता है, ड्यूडेनम में पहुंचता है, तो उसमें कोई एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते। बाइल हेल्प करता है इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, दैट इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फैट्स। बाइल आल्सो एक्टिवेट्स लिपेजेस, तो बाइल फैट्स को छोटे छोटे स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देता है और एक्टिवेट कर देता है लिपेजेस को। द इंटेस्टिनल म्यूकोजल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स विच सिक्रीट म्यूकस, द सिक्रीशंस ऑफ द ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ द म्यूकोसा अलोंग विद द सिक्रीशंस ऑफ द गॉबलेट सेल्स कॉन्स्टिट्यूट द इंटेस्टिनल जूस और सकस एंटेरिकस। इंटरनल म्यूकोसा के जो ब्रश बॉर्डर होते हैं जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विली और माइक्रोविली से बनते हैं, इंटेस्टिनल जूस भी होता है जिसे सकस एंटेरिकस कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि इंटेस्टिनल जूस को क्या कहते हैं, सकस एंटेरिकस। दिस जूस कंटेन्स अ वेराइटी ऑफ एंजाइम्स लाइक डाइसेक्राइड फॉर एग्जाम्पल माल्टेज, dipeptidases, lipases, nucleosidases, etc. The mucus along with the bicarbonates from the pancreas protects the intestinal mucosa from acid as well as provide an alkaline medium pH 7.8 for enzymatic activity. Mucus में bicarbonates होते हैं जो कि pancreas से आते हैं, वो इंटरनल लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन को एसिड से बचाते हैं और एल्कलीन मीडियम देते हैं
जिसकी की पीएच 7.8 होती है, ताकि उस एल्केलाइन मीडियम में एंजाइम्स अपनी एक्टिविटीज प्रॉपरली कर सके, डाइजेशन में हेल्प कर सके। सब म्यूकोसल ग्लैंड्स, ब्रूनर्स ग्लैंड्स आल्सो हेल्प। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैं आपको कुछ रिएक्शंस बता रही हूँ जो कि आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, इनको अपने टिप्स पे कर लें। फर्स्ट रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन्स, प्रोटीओसेस एंड पेप्टोन्स पार्शियली हाइड्रोलाइज प्रोटीन्स इन द चाइम रीचिंग द इंटेस्टाइन आर एक्टेड अपॉन बाय द प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। प्रोटियोलिटिक एंजाइम पेनक्रियाटिक जूस का कौन से होते हैं? अभी मैंने आपको जैसे बताया ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये प्रोटीन्स, पेप्टोन्स और प्रोटीओसिस को कन्वर्ट कर देते हैं डाइपेप्टाइड्स में। कार्बोहाइड्रेट इन द चाइम आर हाइड्रोलाइज बाय पेनक्रियाटिक एमाइलाइज इनटू डाइसेक्राइड्स। पेनक्रियाटिक एमाइलेज हाइड्रोलाइज कर देता है पॉलीसेक्राइड्स यानी स्टार्च को इनटू डाइसेक्राइड्स। फैट्स आर ब्रोकन डाउन बाय लिपिसेस विद द हेल्प ऑफ बाइल इनटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स। न्यूक्लियसेस इन द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन न्यूक्लिक एसिड्स टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। इन सब रिएक्शंस की डिटेल्ड स्टडी बता चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है। जितने भी अभी हमने एंड प्रोडक्ट्स देखे रिएक्शंस के, सकस एंटेरिकस यानी कि इंटेस्टिनल जूस में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो रिएक्ट करते हैं और फूड को और सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। दीज फाइनल स्टेप्स इन डाइजेशन अकर वेरी क्लोज टू द म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। इन रिएक्शंस को बार बार लिख के देखें। इस चैप्टर के स्टार्टिंग पैराग्राफ में बताया गया था कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जिनका ब्रेक डाउन होता है, तो वो ब्रेक डाउन कहाँ पे होता है? इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इनिशियल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन मीन्स ड्यूडेनम। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स चेंज इनटू सिंपल सब्सटेंसेस और इनकी एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है? जुजिनम और इलियम, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मिड पार्ट होता है या लास्ट पार्ट होता है, उसके बाद अब जो अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस बचते हैं वो आगे लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स इन लार्ज इंटेस्टाइन। ये आपने ध्यान में रखना है कि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई ज्यादा महत्वपूर्ण, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती है। द फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आर एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस विच हेल्प्स इन डेयरिंग द वेस्ट और अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स टूगेदर एंड लुब्रिकेटिंग इट फॉर एन ईजी passage. The undigested, unabsorbed substances called feces enters into the cecum of the large intestine through ileocecal valve, which prevents the backflow of the fecal matter. Undigested or unabsorbed substances को feces कहा जाता है, वो cecum में enter होते हैं, large intestine का जो initial part होता है, उस part पे एक valve लगा होता है जिसे ileocecal valve कहते हैं, जो रोकता है fecal matter को पीछे की तरफ small intestine में जाने से. It is temporarily stored in the rectum till defecation. GI tract means गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक या फिर एलिमेंट्री कैनाल। तो इस ट्रैक में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उसका कंट्रोल कहाँ होता है? उसका कंट्रोल हमारा नर्वस सिस्टम करता है। हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं, नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है उन हार्मोनल सिक्रीशंस को। न्यूरल कंट्रोल, हार्मोनल कंट्रोल, इनकी जो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होती है उसकी वजह से जीआई ट्रैक में, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में ये सारी एक्टिविटीज हो पाती है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, देखने से, स्मेल करने से या जस्ट ओरल कैविटी में फूड की प्रेजेंस से सलाइवा सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है कि गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल सिक्रीशन, जितनी भी स्टमक में सिक्रीशन होती है, जैसे कि गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है या इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल जूस सिक्रीट होता है, वो स्टिमुलेट होते हैं जब उनको न्यूरल सिग्नल्स मिलते हैं। मस्कुलर एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ऑल्सो बी मॉडरेटेड बाय न्यूरल मैकेनिज्म। यहाँ पे गिवन है कि बोथ लोकल एंड थ्रू CNS
CNS क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम. हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इज कैरिड आउट बाय लोकल हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल म्यूकोसा. हार्मोन्स के ऊपर वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, डिटेल स्टडी ऑफ कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स. आगे बढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट. पहले हम रीड कर लेते हैं कि आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है. एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन पास टू द इंटेस्टिनल म्यूकोसा इन टू द ब्लड और लिम्फ. इट इज कैरिड आउट बाय पैसिव एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स. एब्जॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो इंटेस्टिनल म्यूकोसा के थ्रू होते हुए ब्लड और लिम्फ में पहुंचते हैं. कौन कौन से मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें? पैसिव, एक्टिव या फिर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म. स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोराइड आयंस आर जनरली एब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन. सिंपल डिफ्यूजन से ही मोनोसेक्राइड्स जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड या कुछ इलेक्ट्रोलाइट, क्लोराइड आयंस ये सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं. द पैसेज ऑफ दीज सब्सटेंसेज इनटू द ब्लड डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स. उनकी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि सब्सटेंसेज ब्लड में किस तरह से एब्जॉर्ब हो रहे हैं. हाउएवर सम सब्सटेंसेज लाइक ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स. दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट. कुछ सब्सटेंसेज जैसे कि ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कैरी करते हैं उनको और ब्लड में उनकी एब्जॉर्प्शन कर पाते हैं. इस मैकेनिज्म को कहते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म. ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड हेंस रिक्वायर्स एनर्जी. वाटर की ट्रांसपोर्टेशन डिपेंड करती है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के ऊपर. एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ऑपोजिट टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. वेरियस न्यूट्रिएंट्स लाइक अमीनो एसिड्स, मोनोसेक्राइड्स लाइक ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम आयन आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड बाय दिस मैकेनिज्म. फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल जो बनते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती हमारे ब्लड में. दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इन टू स्मॉल ड्रॉपलेट्स कॉल्ड मिसेलेज विच मूव इन टू द इंटेस्टिनल म्यूकोसा. तो वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होते हैं और फिर इंटेस्टिनल म्यूकोसा में पहुंचते हैं. दे आर रीफॉर्म्ड इन टू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स कॉल्ड द काइलोमाइक्रोन्स विच आर ट्रांसपोर्टेड इन टू द लिम्फ वेसल्स लेक्टियल्स इन द विली. दीज लिम्फ वेसल्स अल्टीमेटली रिलीज द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस इन टू द ब्लड स्ट्रीम. तो लिम्फ वेसल से अल्टीमेटली एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस जो होता है वो पहुंचता है ब्लड में. एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल लाइक माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. However, maximum absorption occurs in the small intestine. जैसे मैंने पहले भी बताया, maximum digestion as well as absorption कहाँ पे होती है? In the small intestine. यहाँ पे एक summary chart given है. Go through this also. ये दो terms digestion के अंदर आपने बहुत सुनी होंगी, absorption and assimilation. बच्चे काफी confused रहते हैं कि ये absorption क्या है और assimilation क्या है. अब blood में absorption होने के बाद different टिश्यूज तक वो एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस जब पहुंचते हैं उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होती है, उस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन. द डाइजेस्टिव वेस्ट सॉलिडिफाइड इनटू कोहेरेंट फीसेस इन द रेक्टम इनिशिएट अ न्यूरल रिफ्लेक्स कॉजिंग एन अर्ज और डिजायर फॉर इट्स रिमूवल. द इजेशन ऑफ फीसेस टू द आउटसाइड थ्रू द एनल ओपनिंग दैट इज डिफिकेशन इज अ वॉलेंट्री प्रोसेस and is carried out by a mass peristaltic movement. ये एक voluntary process होती है. इसमें जो movement होती है उसे कहते हैं mass peristaltic movement. Digestion and absorption के related आपको कोई भी question पूछना है, you are free to ask in comment section. NCERT spotlight के अंदर जल्द ही नया chapter लेके आऊंगी. In between आप मेरी बाकी की videos देखते रहें, like करें, share करें अपने friends के साथ. Subscribe to my channel and press the bell icon.